हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ साइंस की ऑब्जेक्शंस बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से साइंस में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि साइंस में कोई भी ऑब्जेक्शन है। रीज़न मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं, 1000 रुपीज़ लग रहे हैं ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, और मुझे नहीं लगता साइंस के किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन मैं डाउट में रख रही हूँ क्योंकि उसके आंसर्स में कन्फर्म नहीं हूँ। बट नाउ आफ्टर सो मच रिसर्च मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत लोगों ने ग्रीन मैन्योर के बारे में पूछा है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट में है ना, सारे मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसने पूछा है, इनमें से कौन सी गलत है। तो हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। पीएच इसका लेस देन 7 नहीं होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि हिस्टोन बेसिक होते हैं नेचर में। लास्ट वीडियो में मैंने गलत बता दिया था, दैट्स फाइन, ठीक है। अब यहां पर 5 टाइप्स की आप कई लोग बात कर रहे हो, देखो 4 टाइप का भी जो ऑक्टामर होता है उसमें 8 टाइप के यूज होते हैं, जो हमारा ब्यूटामर होता है उसमें 4 टाइप के, 5 टाइप पेंटामर बनाते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हम मान सकते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन पे गलती से भी ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा, आंसर की में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ। अगला डाउट आपका आ रहा है कौन से क्वेश्चन से, अगला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर, यस वेयर इट इज, यस हेयर इट इज, क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट पता नहीं मैंने आपको आंसर क्या बताया था, बट इसका आंसर क्या जाएगा अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 हमारे पास है, 116 का। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा डाउट इसी क्वेश्चन पे जा रहा है जो कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन एन एक्सीडेंट इन अ स्कूल लैब अ लार्ज सैंपल ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज स्प्लिट, यानी कि लैब में पूरी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड फैल चुका है। विच सब्सटेंस व्हेन एडेड इन एक्सेस इज नॉट सूटेबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एल्कली स्पिल, कौन सा सब्सटेंस हम एक्सेस में डाल दें, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा सब्सटेंस हम एक्सेस में डाल दें कि ये न्यूट्रलाइज के लिए सही ना रहे, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास चारों ऑप्शन में क्या है, आप बोलोगे, देखो आप सोचोगे सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो NaOH को पक्की बात न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, जब भी हम तटस्थीकरण प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो हम यही देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में NaOH डालो, Na2SO4 बना दो, करेक्ट। तो ये आपको सही लग रहा है। ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है, अगेन सिट्रिक एसिड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पर बात आ रही है। तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है NaHSO4, जब भी ये टूटता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, बिल्कुल देता है। तो जो भी हाइड्रोजन आयन देता है वो एक एसिड होता है, यानी कि ये एक सोल्ट है लेकिन ये एक एसिडिक सोल्ट है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये क्या है, एक एसिडिक सोल्ट। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को क्यों ठीक मानती हूँ अकॉर्डिंग टू हमारी जो आंसर की दी गई है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है, बिल्कुल है, सिट्रिक एसिड एक वीक एसिड है, बिल्कुल है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी एक वीक एसिड का काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब सोचो, सल्फ्यूरिक एसिड इतना खतरनाक एसिड है, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा NaOH गिर भी गया, अगर हम उसमें एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, मतलब भाई जितना का जितना टैंक भर के मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है सारा मैं उस पर डाल दूँ, तो वो हमारा नुकसान ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो, अगर आप इसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो हम वो बढ़ते हैं ना कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचे, तो हम नहीं कर सकते ऐसा कि पहले ही नुकसान हो गया NaOH के फैलने से, अब उसके ऊपर हम इतना खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और सीधी सी बात है, एलिमिनेट भी करेंगे आंसर्स को तो एलिमिनेट करके ये तीनों वीक चले जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग चला जाता है, तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड आंसर जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता आपको ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन मैन्योर वाला, तो उसमें भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, इसका आंसर सी सेल है, आप देख सकते हैं आंसर की के अंदर। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमारे डाउट में रह रहा है, वो है ग्रीन मैन्योर वाला क्वेश्चन, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, ग्रीन मैन्योर वाले क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, पहली बात तो इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, गलत स्टेटमेंट बताओ। ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा, बिल्कुल सही है, ग्रीन मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन उसके अंदर फॉस्फोरस नहीं नाइट्रोजन होता है, क्योंकि ग्रीन मैन्योर जो होती है वो स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट के लिए होती है, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट के लिए होती है, और लेग्यूमिनस प्लांट को आप सभी जानते हो रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो बी पॉइंट तो गलत है ही है, यानी कि ये ऑप्शन तो मैं हटा देती हूँ, बी तो गलत है ही है, ए ये भी हटा देती हूँ क्योंकि ए तो ठीक है ही है। अब बात करते हैं इसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ग्रीन मैन्योर अनडीकम्पोज्ड प्लांट मटीरियल ही होता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन मैन्योर की बात की गई है, कंपोस्ट की बात नहीं की गई है,
हम कंपोस्टिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम प्लांट की जितना भी मटेरियल होता है उसको हम कंपोस्ट कर देते हैं और उसे मैन्योर बना लेते हैं। बट ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर जो होता है वो अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल होता है। बिल्कुल सही है ये पॉइंट, तो आंसर ओनली बी ही जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसपे आपको डाउट जा रहा है कि किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है, तो आंसर सैटर्न ही जाएगा। जुपिटर के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून है लेकिन सैटेलाइट सैटर्न के पास ही ज्यादा है। ठीक है, इसका नाम भी देखो सैटर्न सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 150 में भी डाउट जा रहा है, इसका आंसर 4 जाएगा। किसी ने मुझे बोला ट्रोपोनिन कई टाइप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन टेंडन एक करेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही पॉइंट है। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और रेड मसल को मायोग्लोबिन बोलते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। तो इसी में ही डाउट जाएगा क्योंकि ट्रोपोनिन मेनली ग्लोबुलर माना जाता है, फाइब्रस नहीं माना जाता। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, नो ऑब्जेक्शन। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है इस पेपर में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देनी चाहिए साइंस में। जिस भी स्टूडेंट के 89 बन रहे हैं वो हिंदी वाले क्वेश्चन में लगाओ अपनी अपनी ऑब्जेक्शन। हिंदी के जो वो जो स्वर वाला सा क्वेश्चन है जिसके अंदर साउंड अलग आ रही है, ठीक है, ग के बारे में पूछा गया, उस पर लगाओ आप जो क्वेरी है आपकी, उसके अंदर आपके 90 हो जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता साइंस में आपको ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए। बाकी फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप किसी और से भी कंफर्म कर सकते हैं, बट मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि क्यों किसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर वाले क्वेश्चन के लिए मैं एकदम क्लियर हूँ। ठीक है, रही बात H2SO4 की, तो वो भी एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता उसमें ऑब्जेक्शन लगेगी, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वो एसिडिक साल्ट है। तो अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए ऑब्जेक्शन लगाकर। जिसका पेपर क्लियर हो रहा है उसको बहुत ही बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिसका रह गया कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे हम जो है अच्छे से कोर्स चलाएंगे जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एनसीईआरटी करवाई जाएगी 6th, 7th, 8th, 9th, 12th की, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉपर्ली जो है एचटेट के एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी इसी चैनल के ऊपर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट।